सच्चाई पे हम उसको क्या कर लोगे? सही बात है ना, कितना वजन सामान है नहीं, सब मालिक की कृपा है, करम दंड यही मिलेगा। करम दंड है और का करम दंड है, करम दंड है भाऊ और का सब करम दंड है। ठंडियों ना लागत हो जानते कहे ना काओ खाए है तुम्हें काओ तू लोग मिल क्या खाए को। और आजकल जानते हो शादी ब्याह होता है बम्बई से आए मेरी दोस्त मटर पनीर खाई मटर पनीर तरी माँ का चो जब देखो मटर पनीर ना बसोस हो सब खाते ना देते सारे घरों पर नहीं मेरा करे बोले बिराज नहीं बोले बिराज नहीं बोलो ना बोलो तू तो कहते नदियाँ से घोंगा घोंगा खाई थे तब कहो खड़ी बिकले खिया जाओ शादी क्या कर का बना में मटर पनीर खट्टी चटनी मीठी चटनी पूरे बात सूखी सब्जी पता नहीं माता है कहाँ है माता ये बात हाँ। अरे अब चल चल बरात मैंने घरे बदले आए बताए अच्छा। खाना खाए ना आगे कहा है गुस्सा में रहा का ना है गुस्सा ना है जब परिवार जा रहा है यार कितना मैंने खाओगे अरे कोई नुकसान हो जाए उसका क्या फायदा है गलत आदत खाए मनाई दारूबाज मनाई है हम चला जाए कि घर में घुस जाए क्या देंगे अरे लड़के बच्चे हैं जा रहे हैं जाने दो नाती है पोता है क्या है जाने दो लेकिन जब आता है क्या आता है शादी ब्याह खाली मटर पनीर मटर पनीर। हेलो तो दोस्तों लखनऊ जाने के लिए ट्रेन मिल गई है, ट्रेन में बैठ चुका हूँ और देख पा रहा हूँ ये स्टेशन की हमारे यहाँ कितनी भीड़ है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर देख पा रहे हैं आदमी जो है कीड़े मकोड़ों की तरह रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए हैं। देख पा रहे होंगे गौर से देखिए कितने आदमी हैं और ट्रेन की अंदर की भीड़ आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, लोग कहते हैं रेलवे घाटे में चल रही है। देख पा रहे होंगे 50 की सीट होती है डब्बे में और 100-100 200-200 यात्री एक ही डब्बे में बैठ के जाते हैं। इसके बाद भी चमका है देखिए इंजॉय करते हुए जा रहा है। देख पा रहे हम कितनी भीड़ है, कोई सो रहा है, कोई बैठने के लिए जगह नहीं किसी के पास है। इंसान के अंदर बिल्कुल इंसानियत मर सी गई है। देखिए कोई सोया हुआ है उसको पैर से कोई दबा रहा है, कोई खड़े होने के लिए जगह नहीं पा रहा है। ट्रेन की इंडियन रेलवे का ये स्थिति है देख के सांस पा रहे हैं। कोई ट्रेन में खड़े होने के लिए जगह नहीं पा रहा है तो कोई सो रहा है। जनरल डब्बे का सफर है कितनी बेहूदगी है देख पा रहे हो कितनी भीड़ है। जो सीट पा जाते हैं वो तो उनका तो बल्ले बल्ले है, उनके चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं। नीचे प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ है कोई आगे आ रहा है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गंदगी फैलाने पर 700 रुपए जुर्माना, 3 साल की कैद या दोनों भी हो सकते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो रबर्स रबिश एक्सेट्रा एलसेट इफ यू डू सो देन अ फाइन अप टू 500 रुपीज। और तो दोस्तों ये जो लाइन लगी है कोई टिकट घर या राशन की लाइन नहीं, ये वॉशरूम जाने के लिए लाइन लगी हुई है। और ये देख पा रहे हैं फाइनली हम सेंटर पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी परीक्षार्थी की भीड़ है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं और देख पा रहे हैं लाइन लग चुकी है और हम भी फटाफट जाएंगे। ये देख पा रहे हैं सेंटर का सामने का व्यू है और फटाफट जमा कर देते हैं बैग वैग, बेल्टेड निकालना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ जमा हो रहा है, मुकदमा जमा कर दी अपना, ये एडमिट कार्ड वगैरह जा रहे हैं। हम भी फटाफट निकाल देते हैं अपना सब ये। और पेपर ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। देख पा रहे हैं जाने वालों के लिए टेम्पो ढेर सारे लगे हैं और अब हम आ चुके हैं
हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मुझे पता आप सब बहुत अच्छे होंगे। देख पा रहे हैं आज मैं आया हूँ लखनऊ पेपर देख के, जस्ट देख पा रहे बस अड्डे पर आया हूँ जाने के लिए। सारी बसें लगी हुई हैं, अभी देखते हैं इसमें से कौन जाने वाली है। तो देख पा रहे हैं आलमबाग आ चुका हूँ, यहाँ पर बस मिल चुकी है। अब हम यहाँ से घर की तरफ प्रस्थान करेंगे और अपने घर को सारे लखनऊ पर मेट्रो स्टेशन पर भी बस में फाइनली बैठ चुके हैं सीट पे। देखते हैं कितनी देर में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।